हे एवरीवन, वेलकम टू इंडिपैरेबल लर्नर। आज इस सेवेंथ सेट को हम करने वाले हैं, जिसमें आज के टॉप फाइव वर्ड को करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमें सर्च कर सकते हैं एस आई एल इंडिफैट ऑन यूट्यूब चैनल, फॉर यूट्यूब चैनल, एंड और सिंपली अगर आपको करना है तो आप इंडिपैरेबल लर्नर के नाम से भी हमें सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वर्ड ऑफ द डे है ब्योन्सी। ओके, इसे फ्रेंड्स ब्यूएनसी नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा बोएनसी। ओके, इसे बोला जाएगा बोएनसी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के रिविजन टेस्ट की तरफ। सो आज का रिविजन टेस्ट होगा कल का सेट नंबर सिक्स का। सो फ्रेंड्स, आपके लिए ये रहे क्वेश्चंस। सो पहला शब्द है मॉडलिन। मॉडलिन फ्रेंड्स, इसे मॉडलिन नहीं बोलते, इसे मॉडलिंग बोलते हैं, मैंने बताया था। मॉडलिन ये शब्द किससे आया है? ये हमारे ट्रिक वाले शब्द जो है, जो कि मॉडल्स। ओके, मॉडल्स कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए कि एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रेफ हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा नहीं बोल सकते, जैसे बहुत ज़्यादा हमेशा अपसेट रहना इस तरह से। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज शब्द आया था हमारा ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रियन जो कि शब्द आया था अस्थियाँ, और अस्थियाँ जो है रिलेटेड थी किससे? एक पॉट से। तो पॉट जो है हम लोग यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए? बोट के लिए। तो एक ऐसी चीज़ जो कि ऑस्ट्रासाइज, किस चीज़ को अलग करना है, बैनिश करना है। सैक्रोसैंक्ट यानी क्या हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए कि कैसी हो जाएगी वो चीज़, बहुत ज़्यादा होली हो जाएगी वो चीज़। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। सैक्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होली, रिलीजियस चीज़। ओके, प्लाइबल बताया था मैंने फ्रेंड्स आपको, प्लाई से आता है जो कि PLY, प्लाई। ओके, प्लाई जो कि बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि मुड़ जाती है, वो बहुत ही इन्फ्लुएंस, बहुत ही ज़्यादा कोमल सी, बहुत ही नाजुक होता है। ओके, सैक्रोसैंक का मतलब जो कि हिंदी के शब्द सरकरा से आया हुआ है। ओके, सरकरा तो इसका मतलब बहुत ही स्वीट पर्सन, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बोलना चाहिए कि हर चीज़ों को मान लेने वाला। तो आई थिंक अगर इन सभी को आपने लगाया है सही तो वेल डन। एंड चलिए बढ़ते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे, जो कि हमने बताया आप बोयेंसी की तरफ। ओके, सो बोयेंसी जो शब्द है ये एक साइंटिफिक टर्म जो कि ब्यो यानी कि एक फोर्स होता है, बोयेंसी फोर्स। ओके, सो बोयेंसी का मतलब होता है बोयो, जिसमें बी यू ओके ओ वाई जो है। सो टू फ्लोट, एक कंपनी का नाम सुना होगा आपने, बोइंग कंपनी आपको याद होगा जो कि यूएस की कंपनी है फ्रेंड्स। उसने कंपनी वाले ने यूं ही कहीं नाम ही सुन लिया उसने कि बोइंग, ऐसा कुछ सुना नहीं। ये एक एटमोलॉजी से आता है जो कि प्योर का मतलब, जिसका मतलब फ्लो करना, ब्लो करना हो, कि जिस आपने सुना होगा कि हवा जो होती है एयर ब्लो हो रही है। ओके, तो वो शब्द जो है ब्यो, उसका मतलब ब्यो जो कि टू फ्लोट करना, उसका मतलब कि वो एक कौन सी कंपनी है? ये एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है। ओके, इसका आप गैस भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। तो आप देख सकते हैं इस बॉल के ऊपर लगा हुआ है क्या? बोयेंसी फोर्स, जो कि हमने साइंस में पढ़ा है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब फ्रेंड्स, इससे ये रिलेटेड कैसा होगा? तो चलिए मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये बोयेंसी शब्द जो है ये ब्यो, इससे रिलेटेड कैसा होगा आपको लग रहा होगा, है ना? सो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ सोचिए, एक ऐसा पर्सन जो कि ब्यो यानी कि एक हवा में तैर रहा है, यानी कि उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं, वो हमेशा से खुश खुशम दिल यानी कि बोलना चाहिए कि बिल्कुल खुशमंद वो पर्सन है। ओके, सो एक ऐसा पर्सन जिसे कोई किसी चीज़ का मतलब नहीं हो कि वो कैसा पर्सन है, वो बिल्कुल ओपन हार्टेड है। वो पर्सन कैसा है? वो ब्योन्सी है, यानी कि वो कैसा पर्सन है? वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो चीरफुल है। ओके, वो चीरफुल है पर्सन है। तो ये किससे आया है हमारा? ब्योप शब्द जो कि एटमोलॉजी से आया हुआ है, जिससे कौन शब्द आया है? बोइंग। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा आपको। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आपको इसका एक शब्द बना करके, एक टर्म यूज़ करके आपको इसको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में? अधिक या उछाल। यू से हो जाएगा हेलेंस ब्योन्सी वाज विजिबल टू ऑल थ्रू आउट द ईयर, सो नो वन हैड डाउट अबाउट हर सक्सेस, यानी कि उसका जो बोलना चाहिए ब्योन्सी, उसकी जो ऑप्टिमिज्म है वो थ्रू आउट द ईयर था, तो उसको उसके सक्सेस के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, तो ब्योन्सी जो है ये एक फोर्स से आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सकल्पेट, जो कि लीगल सब में, लीगल टर्मिनोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सकल्पेट जो है ये एक बहुत ही एटिमोलॉजिक टर्म है, जो कि बहुत ही बोला जाए कि लॉजिकल है। एक्स हम सुना होगा एक्स वाई, ओके, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने डाइवोर्स दे दिया है, जिसे हमने छोड़ दिया है। ओके, यानी कि वो एक्स हो गई, वो आउट हो गई। ओके, एक्स का मतलब हो जाता है एक्स, यानी कि आउट करना। कल्पा का मतलब आपने सुना होगा, जैसे कि होता है कल्पेबल होमिसाइड, ओके, यानी कि पनिशेबल, यानी कि वो चीज़ कैसा, वो ब्लेम है, वो कन्विक्टेड। ओके, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? किस चीज़ को आउट कर देना उसके ब्लेम से, उसके कन्विक्ट से, यानी कि उसे क्या कर दिया गया, उसे क्लियर फ्रॉम द एलिगेशन फॉर अ गिल्ट। ओके, सो हिंदी में जाएगा निर्दोष सिद्ध कर देना, सफाई दे देना। यूज ऐसा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एक्सकल्पेट राजेश एंड नुपुर तलवार फ्रॉम एलिगेशन ऑफ मर्डर ऑफ आरुषि एंड तलवार। ओके, सो आपको याद होगा ये केस। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्लियर है। इसका भी एक टर्म बना करके आप इसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आज का हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अमेल्योरेट।
अमेलियोरेट जो शब्द है ये काफ़ी ईजी है, पर अगर आप ऐसे ही याद करने बैठे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। आपने एक चॉकलेट का नाम सुना है मेलोडी, मेलोडी चॉकलेट तो सुना होगा ना आपने, ओके मेलोडी, ओके आपने सॉन्ग भी सुने होंगे, मेलोडी सॉन्ग होते हैं, ओके सो एक मेलोडी किसी की आवाज़ होती है बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वीट, बहुत ही शांत, बहुत ही मन को भाने वाली। फ्रेंड्स इस मेले को इस मेले मेलियोर जो है जो कि अच्छा जो कि स्वीट है इसे मेला से मत कर देना, जो कि एम ए एल ए होता है, ओके यानी कि बैड, बहुत ही हार्श, बहुत ही गंदा, ओके इससे कन्फ्यूज़ मत करना, ये एम ई है ये एम ए है, ओके सो अ यानी कि टू, मेलियोर का मतलब स्वीट। अगर एक ऐसी चीज़ जो कि अच्छा फ्रेंड्स आपको एक डाउट हो जाएगा कि नहीं ये ए तो नेगेटिव है जो कि नॉट, जो कि ऐसी चीज़ जो कि स्वीट नहीं है इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, नहीं फ्रेंड्स ए जो भी है ये ए जो आता है ये अ, जैसे आपने सुना होगा अफेक्शन इनकी आपको लगेगा जैसे कि शब्द होता है पार्ट तो अपार्ट, ओके सो फ्रेंड्स इस तरह से नहीं है। और भी जो है उसमें एटमोलॉजी के में भी इसकी दो से तीन मीनिंग होती है, ओके जैसे कि आपको होगा ओके आपने एक शब्द होगा साइंस जो कि आपने जाना होगा या फिर लॉजी, ओके लॉजी जो होता है, ये ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं आपको मैं बताऊँगी आगे, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। तो एक ऐसी चीज़ अ यानी कि टू, मेल्योर यानी कि स्वीट, एक ऐसी चीज़ जो कि आपको मिठास देती है, एक ऐसी चीज़ आपको खुश करती है, मेक बेटर और सेटिस्फाई करती है आपको, ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो कि सुधारती है, जो कि उन्नति करती है, ओके जो कि अच्छा आपको फील करवाती है, आपके मन में अच्छा फील करवाती है, ओके इसका यूज़ हो जाएगा When continuously my fourth movie flopped, there was no one to ameliorate me but my parents. यानी कि मेरी जो लगातार चौथी मूवी थी वो फ्लॉप हो गई, तो उसके बाद में मेरे पेरेंट्स के अलावा मुझे ameliorate यानी कि मुझे साथ करने के लिए कोई और नहीं था। तो नेक्स्ट टर्म है आज का हमारा aficionado, ओके इसे बोला जाता है aficionado। aficionado शब्द जो है आपने काफ़ी बार सुना होगा सोशल मीडिया वेबसाइट्स में, ओके सो ये जो फ्रेंड्स ये एक आपको लगता होगा कि नहीं ये तो यू ही बना हुआ है, नहीं इसकी एक प्रॉपर एटिमोलॉजी है जो कि हमने काफ़ी बार ध्यान नहीं दिया है, जो कि आता है एड, एड आपको याद होगा कि एडिशन होता है, एडिक्शन होता है, या फिर काफ़ी सारे एड से टू टूवर्ड्स जिसका मतलब होता है, ओके आपने एडिशन सुना, ओके एडिशन क्या है, डिक्ट यानी कि होता है राइट करना, आपको डिक्टेशन सुना होगा आपने या फिर ऐसा डिक्टेशन यानी कि राइट होता है, और ऐड यानी कि टूवर्ड्स, जो कि टूवर्ड्स राइट कर रहा है यानी कि वो एडिशन कर रहा है, ओके वैसे ही ऐड का मतलब टू टूवर्ड्स, फेशियो का मतलब टू मेक, जैसे कि आपको ये शब्द याद होगा जो कि ये फेशियो से ही आया है, ऑफ यानी क्या होता है टूवर्ड्स, फेशियो यानी क्या होता है टू मेक, जो कि आपको किस चीज़ के टूवर्ड्स बनाता है, आपको किस चीज़ को पसंद करवाता है, वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है यानी कि तो वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ आपके लिए अफेक्शनेबल है, वो आपको अच्छी लग रही है, ओके यानी कि टू टूवर्ड्स फेक्शन, यानी कि टूवर्ड्स जो कि मेक कर रहा है आपको एक फिक्शन बना रहा है, आपको किस तरह से आपको वो चीज़ पसंद करवा रहा है, यानी कि वो चीज़ कैसी है, अ पर्सन हु लाइक्स नीड्स और अप्रिशिएट्स समथिंग, यानी कि वो चीज़ कैसा है, वो पर्सन कैसा है, वो उस चीज़ का डिवोटी है, ओके आई थिंक ये क्लियर है, वो उस चीज़ का भक्त है, अनुकरण करता है वो उस चीज़ का, यूज़ ऐसा हो सकता है, माय अंकल बिलीव आई एम एन एफिशिएंट ऑफ F1 रेस सो ही सजेस्टेड मी टू मेक अ कैरियर इन दैट फील्ड, ओके सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स अब हम आज के लास्ट टर्म की तरफ बढ़ेंगे जो कि आज का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होगा, इसे बोला फ्रेंड्स इसे प्रोनाउंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इसे बोला एग्जैक्टली बोला जाता है मेवन, ओके इसे मैवन भी नहीं बोल सकते, इसमें ए ये शब्द नहीं आना चाहिए, इसे बोलना चाहिए मेवन, ओके सिंपली ए, ओके मेवन। सो ये शब्द जो है फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि कुछ कुछ शब्द नहीं बनते हैं उसके लिए ट्रिक्स लगेगी, तो ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है ट्रिक। तो फिर ट्रिक कहती है कि फ्रेंड्स इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, चलिए हम जैसे एटिमोलॉजी में करते हैं, मे मा मा वन, माँ एक वन की तरह है, यानी कि माँ जनरली अभी कहानी सुनी, चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा माँ वन, माँ एक ऐसी विमेन होती है जो कि एक वन में भी किसी बच्चे के लिए अपना खाना ढूंढ के ला लेती है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि ऐसी पर्सन है जो कि बहुत ही स्किलफुल पर्सन है, जैसे एक जंगल में भी सामान मिल जाता है, यानी कि मैवन कैसा पर्सन होगा, वो एक ऐसा एक्सपर्ट और एक स्किल्ड पर्सन होगा, ओके जिसका मतलब क्या होगा वो एक प्रवीण व्यक्ति होगा, ओके सो आपको ये आई थिंक ये क्लियर होगा कि एक एक्सपर्ट और एक स्किल्ड पर्सन को बोला जाएगा मैवन पर्सन, ओके माँ वन में कुछ ढूंढ लेती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो बहुत ही स्किल्ड है, वो कुछ भी कर लेगी, उनके हाथ में सब कुछ है। इंडिया टू बिकेम अ सुपर पावर नीड्स अ मैवन यूथ फोर्स टू हैव ह्यूज स्टार्टअप्स, ओके सो जो हमारे यूथ हैं उनको थोड़ा स्टार्टअप करना होगा ताकि हम एक अच्छी मैवन कंट्री बन जाएँ। तो आप देख सकते हैं इमेज में हमारे बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े शेफ़
विकास करना एंड दैट आप यहाँ देख सकते हैं माँ हमारी मदर इस इमेज से आप याद कर सकते हैं. आई थिंक ये क्लियर होगा. सो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. सो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज के जो 5 वर्ड थे ब्योन्सी आप इसे ध्यान से सुनिए. बोएंसी ओके एक्सकल्पेट अमेलोरेट अफिशनैरो मैबन. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. गॉड ब्लेस यू. बाय.